क्या बोलूं क्या बोल सकती हूँ हाय गाइस इट्स सबांगी वेलकम टू माय चैनल सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज़ फेस्टिव सीजन इज ऑन एंड आप लोगों ने इतने भयंकर भयंकर सजेशन दे रखे हैं दिवाली वीडियोस रिलेटेड एंड आई वाज लाइक यस द टाइम हैज कम इस बार द दिवाली से रिलेटेड like, yes, वीडियो हो जानी चाहिए सो हियर आई एम विद दिस पेंटिंग ऑन दिया वीडियो And I'm sure you're gonna love it. मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी बट आई थॉट दिया से ही शुरुआत करते हैं एंड आम श्योर आप लोगों ने भी बचपन में छोटे छोटे दियो पे पेंट किया होगा बहुत बेसिक जैसा मैं भी करती थी अपने बचपन में एंड मैंने जितने भी यूट्यूब एंड प्रिंट्रेस्ट में वीडियोज देखे पिक्चर्स देखे इमेजेस देखे दिया पेंटिंग की, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक थी मुझे मजा नहीं आया होता है ना दिस सो ब्यूटिफुल ऐसा नहीं हुआ so like, मैं ही एक ऐसी देख के मुझे खुद को अच्छा फील so yes, that इज how the idea came and yeah. Do let me know in the comment section below आपको कैसी लगी ये वीडियो क्योंकि मेरी तो बहुत मेहनत लगने वाली है एंड अगर आप इन पीसेस को रिक्रिएट करते हो प्लीज इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करना मत भूलना ऑल्सो वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन लूँगी। पता नहीं मैं बीच में भूल गई थी क्वेश्चन आंसर लेना एंड काफी लोगों ने ये कमेंट करके मुझे याद दिलाया एंड आई वॉज लाइक शिट मैं सच में भूल गई थी। थीड मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट

से हमारा दिया एकदम ब्राइटनेस से भरपूर हो ओके okay. का ऊपर वाला साइड तो हो चुका है बट दिए के निचले हिस्से में भी पेंट करना बहुत ही आवश्यक है सो so, इसीलिए प्लीज बेस पे करना मत भूलना And... कलर बेस ट्राई होने के बाद अब आते हैं अपने डिटेलिंग पैट में ओ माई गोर आई एम सो एक्साइटेड आप लोग को पता ही होगा मुझे कितना पसंद है डिटेल एड करना दिस इज वॉट द पैटर्न लुक्स लाइक मैं इसी पैटर्न को रेप्लीकेट कर दूंगी बैक साइड में भी and I think this is looking fine for now and you know what मुझे अभी तक ही सबसे अच्छी चीज लग रही है combination of blue and green color oh my god look at this this is looking pretty now अब इसमें और details add करेंगे here I am mixing red

डिटेल्स ऐड करूंगी एंड जो भी अब चीजें रह गई है एंड उनको जल्दी से कंप्लीट कर दूंगी आई आई एक्चुअली लव इट यू नो ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंटेड है कैमरा में जो ये लग रहा है उससे बेटर ये रियलिटी में लग रहा है

पूरे बेस पे अप्लाई कर दूंगी एंड जो ये दिए की आउटर रिंग टाइप की है आई नो व्हाट टू कॉल इट बट इसमें मैं इसी कलर का शेड अप्लाई करूंगी यस वंस दैट इज डन अब मैं अपने मेन एलिमेंट पे ध्यान दूंगी विच इज दिस

जो पैटर्न आगे बनाया है वही मैं बेस पर बनाऊंगी एज़ यूजुअल एंड टू बी वेरी फ्रैंक देखो मैं इतना टाइम बाद बोल रही हूँ टू बी वेरी फ्रैंक बट यार सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है एंड आई रिपीट इट अगेन कि ये कलर पैलेट जो भी कलर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे यूज करे हुए वो पहले वाले दिया से कितने ज्यादा डिफरेंट है आप खुद देखो आप खुद देखो राइट right? सर तो मैं और डिटेल्स एड करूंगी इसमें शेड एड करूंगी अगर आपको कोई पार्ट स्किप करना है यू कैन इवन स्किप इट बट मुझे तो मजा आता है मैं तो करूंगी यार सो येस अब मैं दिया में भी हाईलाइट शो करूंगी यूजिंग इंग व्हाइट एक्रेलिक पेंट जैसे मैं अपनी नॉर्मल पेंटिंग में भी करती हूँ एंड आपको लग रहा है क्या मैं जरूरत से ज्यादा डिटेल्स रही करी हाँ शायद बट मुझे पसंद है डिटेल्स ऐड करना आपको भी पसंद है आप भी करो मूविंग ऑन नाउ यू मस्ट भी थिंकिंग कैसी आवाज थी बट हाँ मैं रैंडम आवाज़ें भी निकाल सकती हूँ गाय टैलेंट के बारे में आपको बाद में बताऊंगी कमिंग बैक टू दिस वीडियो अब मैं इसमें और डिटेल्स ऐड करूंगी प्लीज ये मत सोचना कि मैं कितनी डिटेल्स ऐड करती जा रही हूँ बट मेरा मन ही नहीं मान रहा तो इसीलिए डिटेल्स ऐड करने का प्रोसेस हमें जारी रखना है जब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती सो so yes, इसी इसीलिए अब मैं और भी ज्यादा डिटेल्स ऐड कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता ही क्या है आई थिंक दीज आर ब्रांचेस एंड अब मैं इन्हीं ब्रांचेस में राउंड राउंड डिटेल्स एड करूंगी एंड पता है क्या इसमें ट्रिक है कि इसमें मेहनत कम लगती है बट ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड लगता है सो यस अब मैं आगे की तरफ भी हो डिटेल्स ऐड कर दूंगी पीछे की तरफ भी वो डिटेल्स ऐड कर दूंगी एंड देन हमारा दिया कंप्लीट यस गाइस ओके गाइस सो दिस इज व्हाट दिस दिया लुक्स लाइक एंड आई एब्सोल्युटली लव इट अगर आपको ये भी दिया डिटेल में अच्छे से देखना है तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा अब स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड दिए पे ओ गरम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन ओके सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट रियलाइज हर जगह पेंट चपक गया बट एनी वे मूविंग ऑन दिस इज माई थर्ड दिया मैं फटाफट इसके बेस में कलर अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी एज यूजल द कलर पैलेट इज वेरी 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 डिफरेंट सो यहाँ पे मैं ग्रीन्स के साथ प्ले करूंगी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बोले आपको इन तीनों में से कलर पैलेट किसका सबसे ज्यादा अच्छा लगा एंड यस नाउ एम गोना क्विकली स्टार्ट पेंटिंग ऑन इट सो अभी तक की जो भी मैंने दिया पेंटिंग्स देखी हैं या इमेजेस देखी हैं हर जगह लोग बेसिक एलिमेंट्स का ही यूज करते हैं या मोस्टली स्वास्तिक या ओम का यूज करते हैं एंड यू नो वट मम्मा भी चाहती थी कि मैं स्वास्तिक बनाऊ एंड मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ऑलरेडी बचपन से हम यही सारी चीजें क्रिएट करते आ रहे हैं आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट दिस टाइम एंड दैट इज वाई आई हैव क्रिएटेड माई ओन पैटर्न

स्किप करना है आप कर सकते हैं बट मैं तो सजेस्ट करूंगी मत करो यार तभी तो मजा आएगा एज यूजल अपनी शेडिंग पैटर्न में भी वापस आ चुकी हूँ एंड या आई क्विकली दिस मैं याल्टीमेटली और एलिमेंट्स आर्ट करती रहूंगी जिससे की और ज्यादा भरा हुआ लगे एंड नाउ यू गर्ल्स मज बी थिंकिंग यार इतना क्यों भर रहे हैं हम चीजों को मैं बताती हूँ क्यों गर्ल्स फेस्टिवल्स हैं हमारा कल्चर है इंडियन कल्चर है इट इज नॉट अबाउट मिनिमलिज्म इट इज अबाउट कलर्स भरावापन एंड आई पर्सनली लव दीस काइंड ऑफ पेंटिंग्स दीस काइंड ऑफ फिलस्ट्रेशन जिसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं उसी चीज को फॉलो करते हुए मैंने ये तीनों दियो को बनाया है एज यूजल मैं यहाँ पे हाईलाइट एड करी हूँ यूजिंग व्हाइट एक्रेलिक पेंट प्लीज मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के आप लोग का फीडबैक भी एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी सजेशन प्लीज डू शेयर दैम एज वेल विद मी

यस yes, मेरे डैडी को भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा बट आई नॉट श्योर मम्मा दिया जलाने वाले हैं। मैं तो डेकोरेट करके ठीक है मम्मा ने बोल देट करके रखेंगी तो हम डेकोरेट करके रखेंगे इट इज अपर आपको करना है तो आप करो दट इज योर विश सो यस एज फ्रॉम इन द बिगिनिंग ऑफ दीडियो दैट आई विल बी आंसरिंग समर क्वेश्चन सो अब वो टाइम आ चुका है जिसमें आप लोग के दो क्वेश्चन का आंसर दूंगी ओके गाइस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग द क्वेश्चन इज शिवांगी दी आपने कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि आपको लगा कि वो गुड इनफ नहीं है एंड दिस क्वेश्चन इज बाय निवेदिता सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन एंड मैं बोलूंगी कि यस दिस इज अ अर्ष रियालिटी वो मैं अभी नहीं करती बट येस जब मैंने चैनल इनिशियली स्टार्ट किया था तब मैं कुछ ऐसी चीजें बनाती थी एंड आई यूज टू बी लाइक नहीं दिस इज नॉट गुड इनफ आव नॉट वन अपोज दिस एंड मम्मा मेरे पीछे पड़ जाती थी कि नहीं दिस इज लुकिंग ब्यूटिफुल यू शुड पोजेड एंड हम दोनों की काफी बार लड़ाई भी हो चुकी है याद है मम्मा हमारी कितनी फाइट होती थी स्टार्टिंग में बट वी यूज टू आर्ग्यूर आ मम्मा बोलती थी डाल दे मैं तुझे बोल रही हूँ अच्छी चलेगी एंड मैं बोलती थी बात अच्छी चलने की नहीं है आई एम नॉट सेटिस्फाइड सो यस ऐसा हुआ है बट अब नहीं होता बिकॉज नाव आई नो मुझे क्या बनाना है किस तरीके का कंटेंट बनाना है स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन रहता था ऑफकोर्स आई वॉज अ बिगनर फॉर यूट्यूब सो या I hope this answers your question. But if you want, मैं आप लोग को वो art pieces दिखा सकती हूँ जो मैंने बनाए थे but वो कभी मैंने YouTube पे post नहीं करे Moving on to the second question, this is by Pranjal Patankar. How do you know if art is just your hobby or it is a potential career? I want to be a graphic designer but not quite sure. What would you suggest? बहुत अच्छा question है first of all ये कि आप कैसे बता सकते हो कि आपका potential career क्या आपकी हॉबी हो सकती है कि नहीं एंड आई थिंक मैंने इसी लिए स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में क्योंकि मेरी हॉबी थी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सडनली मैंने साइंस ली मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं बट आई रियलाइज कि आई डू नॉट इंजॉय इट मैं इस चीज के साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आपकी जो हॉबी है आपको बस उसी में इंटरेस्ट हो उसी में ही मजा आए इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको करियर वाइज किसी और चीज में जाना हो फॉर एन एग्जाम्पल आर्ट एंड एवरी थिंग आई जस्ट लव इट एंड मैं अभी भी इसे हॉबी की तरह करती हूँ बट एज अ प्रोफेशन आई लव टू डू यू एक्स यू आई आई लव टू डिजाइन थिंग्स सो ऑफकोर्स दे आर काइंडा रिलेटेड बट नॉट एग्जैक्टली एंड मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी हम हॉबी को हॉबी की तरह ही लेते हैं पोटेंशियल करियर की तरह इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें नॉलेज कम होती है उस फील्ड के बारे में एंड हमें लगता है ये तो बस एक हॉबी है अर्न करने के लिए वी नीड टू डू समथिंग एल्स

अगर आप कर लेते हो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये हॉबी पोटेंशियल करियर बन सकती है कि नहीं बिकॉज मैं किसी भी वे में एक गलती से भी प्रीच नहीं करूंगी ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूंगी कि बस तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसे अंधाधुंध करते जाओ एंड डोंट थिंक अबाउट मनी डोंट थिंक अबाउट योर जॉब या करियर परस्पेक्टिव से बस जो इंटरेस्ट है वो करते रहो आई वर्ट काफी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि आपको बस जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ही करो कल को आप अच्छा करोगे बट नहीं यार थोड़ा प्रैक्टिकली लाइफ में प्लान ए प्लान बी लेके चलना चाहिए मैं तो वैसे ही करती हूँ So yeah, मैं हमेशा बोलूंगी कि अभी प्लान ए प्लान भी लेके चलो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन एंड मिलते हैं अगले हफ्ते या टेक केयर स्टे सेफ बाय बाय एंड मैं आपको दिवाली तक नहीं मिलूंगी सो so, अभी विश कर देती हूँ हैप्पी दिवाली गाइस